अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके घर में सिंगल फिटिंग है, आपके घर में या आपकी मस्जिद में या मदरसे में सिंगल ठंडे पानी की फिटिंग हुई है और आप चाहते हैं कम खर्चे में उसी फिटिंग में आपको दोनों पानी मैसर हो, गर्म पानी भी उसमें हो और ठंडा पानी भी उसमें हो, या उसकी एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो भी उसी पानी में हो, तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं इसमें मुकम्मल डिटेल दूँगा आपको। ये बड़ा गिदर लगा हुआ है, एक मस्जिद है उसमें पुरानी फिटिंग हुई हुई है, लोहे की जीआई की फिटिंग है, इसे हम कन्वर्ट पीपीआरसी में करेंगे। ये देखें, ये जो वाल लगा हुआ है ये ऊपर से वाटर टैंक से पाइप नीचे को आ रहा है और सेंटर में जो टी लगी हुई है ये टी गीज़र के अंदर जा रहा है, सामने से गीज़र के अंदर इंटर हो रहा है राइट साइड में ठंडा पानी। जो नीचे वाला हिस्सा है वो ये जो टैब लगी होती हैं मस्जिद की उसके साथ अटैच है, और ये जो वाल लगा हुआ है आपका ये वाला वाल यहाँ से अंडरग्राउंड होने के बाद यहाँ से नीचे जाने के साथ साथ ये टैब के साथ अटैच हो जाता है। और ये जो सामने वाल नज़र आ रहा है आपको ये गर्म पानी का है, ये गर्म पानी का वाल ठंडे पानी के साथ अंडरग्राउंड सिस्टम ही अटैच कर दिया है। ये साथ में आपको मिस्टेक बताता चलूँ, ये 500-700 रुपये का काम था जो एक प्लम्बर ने 2500-3000 रुपये में किया है। ये मिक्सर टैब है, इसकी फिटिंग नहीं की है, ये दोनों फिटिंग कर दी थी और यहाँ पे मिक्सर लग गए। और इस मस्जिद में ये सिंगल फिटिंग थी और इसी में आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों मिलेंगे। सिर्फ आपने ये दो वाल जो लगे हुए हैं मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों वाल की आपने एडजस्ट करनी है। जब एडजस्ट कर लेंगे ठंडा पानी जो होता है वो भी आपने कम खोल देना है और गर्म पानी है वो भी आपने कम खोलना है। दोनों की एक ही मकदार अगर होगी तो दोनों आपस में मिक्स हो के आपको सिंगल फिटिंग में ही गर्म पानी देगा। मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको प्लम्बर वर्क, इलेक्ट्रिशियन और होम वर्क मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो देख के अपने घर का काम आप खुद कर सकें। ये जो पैप लगा हुआ है मैंने इसे रिमूव करके पीपीआरसी में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो ऊपर वाला छत के साथ पैप नीचे आ रहा है और सेंटर में वाल लगा हुआ है, ये वाल मेन वाल है और ये वाला वाल है आपने इससे कम ज़्यादा करना है जहाँ पे इसकी एडजस्ट होती है। ये वाल, ये दोनों वाल सेंटर में टी लगी हुई है, दोनों वाल के आउटसाइड में टी लगने के बाद ये नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद ये जो टैब मस्जिद की लगी हुई हैं उसके साथ अटैच है। इस वाल की दोनों की आपने एडजस्ट करनी है, जब एडजस्ट आपकी हो जाएगी तो आपको एक फिटिंग में ही आपको दोनों वाटर मिलेंगे, हॉट एंड कोल्ड। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।